सो व्हाट्सअप गाइज, वन सेकेंड बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ टू फिंगर और थ्री फिंगर के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंस, जिससे देखें ना आपका मतलब एक ऐसी मतलब टू फिंगर या थ्री फिंगर में से एक चीज़ पे से विश्वास उठ ही जाएगा, मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, अगर ना आप देखो, अगर मतलब आप वीडियो पूरा देख के गए ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा वीडियो, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ गाइस, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और ना देखो, अभी थोड़े दिन तक डेली वीडियो नहीं आ पाएगी, तो अपना इग्नोर करना थोड़ा बहुत यार भाई, थोड़ा मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन निकल के आएगा ना, उसको भी हमको सिलेक्ट करना, जिससे ना देखो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आप मिस ना कर दो कुछ भी। ठीक है, और इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इंस्टा पे भी मुझे जाके फॉलो कर देना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट में अपन बात करेंगे टू फिंगर बंदे के लिए, जो बंदा टू फिंगर खेलता है। और ना देखो, थ्री फिंगर और टू फिंगर के बीच में आपको एडवांटेज बता दूंगा ना, जिससे ना आप देखो आप भी आसानी से समझ पाओ कि कौन सा फिंगर आपके लिए बेस्ट होगा। तो गाइस देखो, टू फिंगर की बात करेंगे अपन, तो देखो गाइस बैक में देख पा रहे हो ये बंदा, ये भी बैक में देख पा रहे हो, इसका हैंडकैम के साथ देख पा रहे हो, ये टू फिंगर में खेल रहा है। इसका ना गेम प्ले देखो ना यार, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सड़ा सड़ा सा लग रहा है ना गेम प्ले, मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार से जरूर बता देना। इसका गेम प्ले ना मूवमेंट की वजह से थोड़ा मतलब बिगड़ा लग रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार से जरूर बताना, मेरे को तो लग रहा है भाई। और ना देखो, आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ना हेडशॉट की बात कर ली जाए, तो देखो अपना देखो थ्री फिंगर में मतलब हेडशॉट लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और टू फिंगर में ना मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ना अपन देखो पहले से ही टू फिंगर खेल रहे हैं, तो अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको मतलब कुछ हेडशॉट लगाने में, बस ड्रैग ही तो करना रहता है। और ना थ्री फिंगर में क्या होता है, अपन ना सीख रहे होते हैं, इसलिए ना अपना हेडशॉट लगाने में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मतलब थ्री फिंगर देखो मेहनत करनी तो पड़ेगी आपको, थ्री फिंगर खेलते हो ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ना देखो, आपको सीखना चाहते हो थ्री फिंगर में, तो मैंने टॉप 5 बेस्ट कस्टम एचयूटी का वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट वाली, तो आप जाके उसे देखना और चेकआउट कर लेना अपने लिए बेस्ट कस्टम एचयूटी कौन सी होगी। ठीक है, तो ये देखो ये बंदा मतलब आलोक चला चला के मूवमेंट कर रहा है, बाकी ना मूवमेंट हो ही नहीं रही है। देखो ग्लूवाल भी नहीं सही से नहीं लगा पा रहा है ना, देखो यार मतलब 360 ग्लूवाल तो लगते भी नहीं कभी टू फिंगर में। देखो मतलब बहुत कम बंदे ऐसे ना जो 360 ग्लूवाल टू फिंगर में लगा पाते हैं, आप लगा पाते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार से जरूर बता देना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ना टू फिंगर में ऐसा AWM नहीं चल पाता जैसा थ्री फिंगर में चलता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा थ्री फिंगर का AWM किस टाइप से, मेरा खुद का AWM किस टाइप से चलाता हूं, वो भी हैंड कैम के साथ। देखो मेरा ना देखो हैंडसेट आसानी से हो गया है थ्री फिंगर में, तो मैं आसानी से अपना AWM भी आसानी से चला पा रहा हूं। देखो जैसे ना अपना देखो आयुष भाई भी AWM पहले अच्छे चलाते थे, अपना पता नहीं क्यों उन्होंने छोड़ दिया। और ना लोरियम भी थ्री फिंगर खेलता है, और ना देखो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पहाड़ी हो गया जैसे, और ना देखो AWM चलाते हो ना मोबाइल में थ्री फिंगर में ही चलाते हैं, जैसे ना देखो उसका बेस्ट AWM चलता है। ठीक है, आपको बताए मतलब AWM चलाना चाहते हो, AWM के मतलब आप चाहते हो मैं बेस्ट हो, तो आप थ्री फिंगर में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, और देखो टू फिंगर में ऐसी मूवमेंट नहीं हो पाएगी जैसे थ्री फिंगर में होती है, तो गाइस मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके बताऊंगा। देखो अगर आप ना देखो एक मतलब दो उंगली से काम कर रहे हो ना, वो काम तीन उंगली से कर पाओगे तो मतलब कितना आपके लिए बेटर होगा, मतलब एक सेकंड में तीन बटन टैप कर पा रहे हो आप आसानी से। और ना देखो टू फिंगर में क्या होता है, एक सेकंड में मतलब दो ही बटन टैप कर पाते हो, तो एक और दो में मतलब दो बटन टैप करोगे या थ्री बटन टैप करोगे, मतलब ज़्यादा बेटर थ्री फिंगर ही होता है ना, मतलब आप समझो। और मेरी बात में मतलब इतना मतलब मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप गौर से समझो आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो गाइस देखो थ्री फिंगर में मूवमेंट से तो कोई नहीं जीत पाएगा। देखो मैं अभी थ्री फिंगर में खेल रहा हूँ, मूवमेंट देखो मेरी, और ना गाइस देखो मूवमेंट में प्लस हेडशॉट भी आसानी से पड़ रहा है। देखो मूवमेंट किस टाइप से हो रही है, देखो ग्लूवाल तो कभी मिस हो ही नहीं रहे, जैसे ना होता है देखो ग्लूवाल पकड़ में नहीं आया ऐसा बोलते बंदे ऐसा कुछ, तो इस थ्री फिंगर में ऐसा कोई आपको ये नहीं देखने का मिलेगा इशू। ठीक है, तो आप थ्री फिंगर चाहते हो शिफ्ट होना, तो मैंने देखो बेस्ट कस्टम एचयूटी दे रखी है, वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो फर्स्ट वाला वीडियो ही देख के लेना, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो गाइस आपको मतलब ये बात समझ में आई होगी कि थ्री फिंगर बेस्टर होता है टू फिंगर से। ठीक है, तो गाइस अगर देखो आप मेरा कस्टम एचयूटी यूज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा कस्टम एचयूटी कुछ इस टाइप का है। तो गाइस देख सकते हो अपना देखो कंट्रोल्स पे कस्टम एचयूटी के अंदर, ये वाला कस्टम एचयूटी कुछ मेरा इस टाइप का। देखो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी करके बढ़ा देता हूँ, मतलब बढ़ा के बता देता हूँ, तो गाइस बैक में देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने कुछ बहुत सोच समझ के अपना कस्टम एचयूटी डिज़ाइन किया है, तो आप ना देखो आप चाहते हो कि मतलब कस्टम एचयूटी इस टाइप का कुछ रखूँ मैं, तो रख सकते हो भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप टूर्नामेंट खेलना चाहते हो, रैंक खेलना चाहते हो, CS रैंक खेलना चाहते हो, सब में मैं परफेक्ट खेल सकता हूँ आसानी से। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं देखो अगर थ्री फिंगर में शिफ्ट हूँ और मेरे को कस्टम एचयूटी चाहिए परफेक्ट वाली, तो ये आप ट्राई कर सकते हो आसानी से, मैं आपसे मना नहीं करूँगा। अगर आप आसानी से उसे ट्राई कर सकते हो तो करो, और ना आज से प्रैक्टिस करने लग जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप ना देखो एक दो दिन तो ट्रेनिंग ही खेलो बस। ठीक है, अगर आप थ्री फिंगर में शिफ्ट हो रहे हो तो एक दो दिन ट्रेनिंग ही खेलो, और आपको जैसा गन चलाना
बेस्ट लगता है वही चलाओ, मतलब ऐसा नहीं कि हेडशॉट मारना है मेरे को, मतलब थ्री फिंगर में फर्स्ट ही हेडशॉट मारना सीख जाऊँ, ऐसा नहीं होगा भाई। अपना देखो जिस गन में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको वो आपको यूज़ करो आप शुरू शुरू में, ठीक है। तो गाइस मैं आई होप मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, और आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार से ज़रूर बताना, और ना मेरे को नेक्स्ट टॉपिक मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, मैं वेट करता रहता हूँ यार। ना देखो नेक्स्ट टॉपिक अभी कमेंट कर दो यार अपने, ना देखो जितने भी बंदे देख रहे हैं, और ना देखो गिल्ड के लिए रिक्वायरमेंट लाऊं क्या मैं अभी, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना गिल्ड रिक्वायरमेंट लाऊं या नहीं लाऊं, रेंदू यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार से ज़रूर बता देना, ठीक है। तो गाइस आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ना देखो चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, देखो ना इतनी अमेजिंग टिप्स आप मिस ना कर दो, इसलिए ना देखो सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ठीक है। और हाँ मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जब तक के लिए टिल टेक केयर एंड गुड बाय। और ना देखो बहुत शॉर्ट वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। खत्म।